السلام علیکم ایوری ون دس از شوی فاروقی असल अर दिस इज़ शोह फारूक अगेन आई वेलकम यू टू दैट द पॉइंट और आज का एक और बड़ा अहम टॉपिक पाकिस्तान के हालात और आ, इनके हवाले से जो हमारी सोसाइटी में परेशानी देखी जाती है आ, मैं भी क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा हूँ तो मुझे भी एहसास होता है मुझे भी ख़्याल आता है लेकिन ये कि क्योंकि ट्रेनिंग इस तरह की हुई है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो प्रॉब्लम हो आ, वो जैसे ही सामने आती है तो फ़ौर ही दिमाग जो है वो उसकी सलूशन की तरफ काम करना शुरू कर देता है तो आज का ये टॉपिक बड़ा अहम है और एक बड़ा अहम मौजू जो हमारे माशरे में जिसका फ़कदान मुझे नज़र आ रहा है इसकी कमी मुझे नज़र आ रही है जिसकी वजह से हम अपने प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पा रहे और वो प्रोलॉन्ग हो रहे हैं आ, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आ, हम जो है वो दिन ब दिन जो है उलझनों में घिरते जा रहे हैं तो क्यों ना मैंने सोचा कि एक, एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए आ, अपने नाजरीन के लिए स्पेशली यूथ के लिए कि वो किस डायरेक्शन में सोचें और आ, अपने इर्द गिर्द कैसे वैल्यू एडिशन करें तो इससे पहले हम आज के टॉपिक पे आ, आगे चलें टेस्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो आज का टॉपिक जो है उसका अनुमान है रिसर्चर्स वर्सेस प्रैक्टिशनर्स वो लोग जो तहकीक करते हैं और वो लोग जो अमल करते हैं उनमें क्या फ़र्क है और मेरे नज़दीक जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हमारे माशरे का है वो ये कि हमारे यहाँ रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं और प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट Uh, getting benefit from the research which is been done by the researchers तो so, researchers जो हैं वो research करके बहुत सी चीज़ों का solution भी निकाल रहे ले हैं uh, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा अगर आप universities में जाएँ तो उनकी libraries uh, बहुत से project research projects की uh, कब्रस्तान बनी हुई हैं अनफॉर्चुनेटली uh, uh, मैं भी जैसे दारे में पढ़ाता हूँ वहाँ भी बहुत सी रिसर्च की जाती है uh, बहुत अच्छी रिसर्च की जाती है uh, लेकिन यह कि उस पे अमल नहीं किया जाता इसी तरह जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो स्टूडेंट्स uh, के साथ वक्त कम गुजारते हैं रिसर्चर्स uh, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर भी जो है वो प्रैक्टिस करने की सलाहियत तो और प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही जिसकी वजह से हम अपने मसाइल हैं रोज़मर्रा के वो सॉल्व नहीं कर पा रहे अच्छा जनाब तो इस हवाले से जो है वो किताब क्या कह रही है लिटरेचर क्या कह रहा है उस पर भी थोड़ी रोशनी डालते हैं आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड नज़र आएगी आपको जिसके अंदर बेसिक फ़र्क दोनों कॉन्सेप्ट में एक तो पहली बात ये है कि आपके लेफ्ट हैंड पे जो है वो रिसर्चर्स के हवाले से और राइट हैंड पे प्रैक्टिशनर्स के हवाले से बात की गई है तो जो रिसर्चर्स होते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिंगल यानी यूनी डायरेक्शनल होते हैं वो किसी थ्योरी के ऊपर बेस करते हैं और वो उस थ्योरी को पढ़ के कोशिश करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द उस चीज़ को होता हुआ देखें लोगों से राय लें और अपने मॉडल को जो थ्योरटिकल मॉडल है उसको अपने इर्द गिर्द सोसाइटी पर फिट करें ज़्यादातर रिसर्च जो है वो इसी तरह की जाती है दूसरी बात जो है वो जो प्रैक्टिशनर होता है वो अपने जाती तजुर्बात से जो है वो अपनी कॉन्टेक्स्ट को बनाता है क्योंकि मैं ख़ुद मेरी लास्ट डिग्री जो है वह रिसर्च डिग्री है इसलिए मैं समझ सकता हूँ और ये मौजू में बहुत आ, इस पर स्टडी करने के बाद जो है वो ये वीडियो करने जा रहा हूँ दूसरी बड़ी बात जो है जो रिसर्चर होता है आ, वो उसकी जो वेरियंस आती है यानी अगर वो कुछ सोच रहा है और उसके जहन में कुछ है और वो कोई मॉडल जो है वो उसको अप्लाई कर रहा है अपने इर्द उसके अंदर जो वेरिएंस आती है वो स्टैटिक होती है मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती बहुत ज़्यादा डायनम डायनमिक नहीं होती वो वो वो, वो चंदी लोगों पे या एक ग्रुप के ऊपर या एक सिटी के ऊपर या एक कंट्री के ऊपर वो उसको अप्लाई करता है लेकिन वो ढूंढ वही रहा होता है जो उसके जहन में एक खाका होता है जबकि जो तजुर्बाती आदमी होता है उसकी जो थ्योरी होती है या उसका जो यानी उसका जो तजुर्बा होता है वो मल्टीपल डायमेंशन में काम करता है और उसके ऊपर अपनी सोच और तजुर्बा बनाता है तीसरी बड़ी अहम चीज़ जो है हर रिसर्च के अंदर या हर कॉन्सप्ट के अंदर हर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कुछ प्रडिक्शन्स की जाती हैं तो ये जो प्रोडिक्शंस हैं रिसर्चर की वो एक कॉन्टेक्चुअल मॉडल के अंदर फिक्स होती हैं वो उस मॉडल से बाहर नहीं जाती और जो प्रैक्टिशनर होता है वो लामहदूद प्ला कैनवास पर काम करता है प्रडिक करता है अफेक्टिवनेस जो है रिसर्च की वो ज़्यादा ज़्यादा एक मॉडल के अंदर डेटा डाला और उसके अंदर से कुछ एवेल किया और उसके अंदर जो है वो उसकी अफेक्टिवनेस जो है वो बहुत छोटे पैराहे पर नज़र आती है जबकि जो रिसर्चर होता है उसकी अफेक्टिवनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग नज़र आती है और लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि अल्टीमेट गोल जो रिसर्चर का होता है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है जबकि जो प्रैक्टिशनर होता है उसका अल्टीमेट गोल जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है और आगे बढ़ना होता है और उस उस इशू को रिजॉल्व करके उसमें बेहतरी लाना होता है अब अगली बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये जो मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है और हो सकता है इसमें जो मेरी रिसर्चर्स फर्टिनिटी है वो थोड़ा सा बुरा भी माने लेकिन रिसर्चर की अगर डेफिनेशन को लिखें या उसको तरतीब दें तो रिसर्चर्स वो लोग हैं जो थ्योरीज को बनाते हैं थ्योरीज को अपने के जो ऑलरेडी प्रूवन थ्योरीज़ हैं उनको अपने ही कॉन्टेक्स्ट में या अपनी सोसाइटी में या अपने फ्रेमवर्क में अप्लाई करके उसके अंदर वेरिएंस ढूंढ के और एक लाल तरतीब देते हैं लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर्स जो मैंने देखा उनका मकसद ये होता है कि वो अपनी रिसर्च करें उसको अच्छे से अच्छे जर्नल में पब्लिश करें और मज़ीद अगर उस पर काम करना है तो उसकी वेरियंस को देखें उनका एक अल्टीमेट गोल यही होता है लेकिन उसके बरक्स जो एक प्रैक्टिशनर है उसका यह है कि वो अपने तजुर्बात को प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा इस्तेमाल करता है और जो है इसके बाद जो है उनको अप्लाई करके उसमें से मज़ीद डेटा गैदर करके मज़ीद उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करता है अच्छा अब सवाल ये कि जो बड़ी अहम बात जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये कि ये ये जो हमारे इर्द गिर्द बेचैनी है और हमें कभी कभी डायरेक्शन नहीं नज़र आ रहा हमारी यूथ हमारी सोसाइटी भराई भी सी है बेचैन है उसकी वजह यही है कि जो रिसर्चर है और प्रैक्टिशनर है दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं और वो एक दूसरे के साथ मिल के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम नहीं कर रहे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो एक्सपीरियंस हासिल करके ताली इदारों में आके स्टूडेंट्स से अपनी तजुर्बात को शेयर नहीं कर रहे जो टीचर्स हैं वो अपने दायरे कॉड से निकल के बाहर जाके प्रैक्टिशनर्स के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे यानी अपनी रिसर्च को जाके उधर उनके साथ मिलके उसको कोलेब्रेशन के साथ अप्लाई नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो आने वाली नस्ल है जो तलेब इल है इस वक्त उनको एक यानी यूनी डायरेक्शन व्यू मिल रहा है वो किताबें पढ़ रहे हैं वो रिसर्चर्स भी देख रहे हैं और जो है ये जो डेटा है जो उन जो उनके पास है वो प्रैक्टिशनर्स के पास नहीं जा रहा और सबसे बड़ा फ्कदान जो है वो कलेब्रेशन का है अच्छा लास्ट स्लाइड जिसके ऊपर अब हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हम दो कम्यूनिटीज़ को लें रिसर्च कम्यूनिटी और प्रैक्टिशनर कम्यूनिटी तो इनमें बहुत से तादाद पाए जाते हैं लेकिन एक मॉडल है जिसकी तस्वीर नज़र आ रही है कि ये तकरीबन पांच ऐसे एरियाज़ हैं जिस पर अगर काम कर लिया जाए तो ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो साथ काम करने लगेंगी और फिर आप देखेंगे कि चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बेहतरी की तरफ जाने लगेंगी तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो रिसर्च की जा रही है वो रिसर्च आया यूज़फुल है आ, उसको रिसर्चर को कैसे पता चलेगा जब तक प्रैक्टिशनर अपने इशूज़ जो है वो रिसर्चर्स के पास लेके नहीं जाएगा दूसरी बड़ी अहम बात जो है जो रिसर्च है उसकी नेचर क्या है वो नेचर आ, क्या प्रैक्टिकल है डेटा कलेक्शन के ऊपर बेस करती है वो रिसर्च जो है वो किसी और ममलोल के तजुर्बात पे बेस करती है बड़ा ज़रूरी है कि रिसर्च जो है वो फीडबैक ओरिएंटेड हो लोगों से उनके तजुर्बात पूछे जाएं उनसे बात की जाए और उस डेटा को गैदर किया जाए फीडबैक लिया जाए हमारे माशरे में फीडबैक का कल्चर जो है बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है आज भी अगर आप रेस्टोरेंट में जाएँ तो आपको जब वो फीडबैक फॉर्म देता है तो हम में से बहुत से लोग जो है वो उसको नहीं भरते और हम जरूरत ही नहीं समझते फिल करने की और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दोबारा आएँगे तो जो है हमें उससे अच्छी सर्विस मिलेगी कैसे मिलेगी जब हम अपनी फीडबैक ही जो है उसको नहीं उस तक पहुँचाएँगे तीसरी बड़ी अहम चीज़ ये है के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका तयन करना और उनको भी रिसर्चर्स तक पहुंचाना चौथी बड़ी अहम चीज़ जो है जो रिसर्चर्स हैं उनके पास जो प्रोसेस हैं रिसर्च के वो इतने मुश्किल हैं कि जब वो आ, अपना डेटा गैदर करके कोई मॉडल बनाते हैं तो एक कम्युनिकेशन गैप होता है अगर वो बताना भी चाहें प्रैक्टिशनर्स को तो प्रैक्टिशनर्स के अंदर या तो अहलियत नहीं है कि वो वो ज़बान समझ सकें और जो रिसर्चर्स हैं उनके पास कम्युनिकेशन टूल्स नहीं हैं कि वो अपनी बात को अपनी रिसर्च को अपनी डेटा को प्रैक्टिशनर तक पहुंचा सके आखिरी बड़ी अहम चीज़ जो है इन दोनों कम्युनिटीज़ का रिलेशनशिप और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ ये दोनों कम्युनिटीज़ आपस में साथ बैठे तो मुझे तो सिर्फ ये प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तलीमी इदारे ही नज़र आते हैं इन तलीम इदारों में जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको आना चाहिए उनको पढ़ाना चाहिए एज़ अ विज़िटिंग फैकल्टी अपने तजुर्बा स्टूडेंट्स शेयर करने चाहिए और जो टीचर्स हैं उनको इन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए इनकेज करना चाहिए ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं उसको वो किसी प्रैक्टिशनर के साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च की फॉर्म में जो है वो सबमिट करें जैसे हमारे वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट भी था कि एक एक्सटर्नल एक सुपरवाइज़र होता था एक इंटरनल सुपरवाइजर होता और एक्सटर्नल सुपरवाइज़र होता यही कॉन्सेप्ट जो है इसको और मजीद तकवीत देने की ज़रूरत है तो आप यकीन जानिए कि हम बहुत से प्रॉब्लम्स अपने हल कर सकते हैं हमारे यहाँ तलीम अब पनप रही है ऐसा नहीं है कि जो है अर्बन एरियाज़ में स्पेशली सेमी रूरल एरियाज़ में तालीम का निज़ाम बेहतर है तालीम की रसाई है लोगों तक कब तालीम हासिल करने के मौक़े हैं वो पढ़ भी रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा इशू यही है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका एक्सपोजर तालीमी इदारों के ऊपर मज़ीद डालना पड़ेगा आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया मेरे इस पैगाम को आगे पहुँचाइए अगर आपको समझ में आता है शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस चैनल के ज़रिए अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है इन वीडियोस से कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसकी फीडबैक मुझ तक जरूर पहुँचाइए बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का शु फारूकी को दैट्स द पॉइंट से इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़